हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी बालों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, जैसे कि आपके हेयर फॉल होते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं बाल, डैंड्रफ की कंप्लेन, रूट्स की कंप्लेन रहती है, आपके बालों में फ्रीजी रहते हैं आपके बाल, दो मुहे बाल हैं, स्प्लिट एंड्स जिसे कह सकते हैं, समय से पहले आपके बाल अगर सफ़ेद हो रहे हों, बहुत ज़्यादा आपके बाल गिर रहे हों, जिससे गंजापन सा आ रहा है, शाइन नहीं है आपके बालों में, चमक नहीं रह गई है, तो इन सब की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज मैं एक सिंपल हेयर पैक से लेके आई हूँ। और अगर आप ये पैक लगाते हैं अपने बालों में तो ये सब प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हम सब मानते हैं कि बाल हमारी सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं, और शायद हम सबकी चाहत यही होती है कि हमारे बाल लंबे, काले, घने और मुलायम हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है, पोल्यूशन, धूप, इन सब के कारण क्या होता है, हमें बालों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक ये हेयर पैक है, और ये हेयर पैक कोई भी लगा सकता है, मेल हो, फीमेल हो, टीनेजर हो। अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं तो डेफिनेटली इसे लगाइए, काले हैं तो भी इसे लगाइए अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। और अगर आपके बाल कैसे भी टाइप के हों, ऑयली हैं, नॉर्मल हैं, ड्राई हैं, कोई भी इसे लगा सकता है। और इसे लगाने के बाद आप अपने बालों में बहुत ज़्यादा फर्क महसूस करेंगे, आपके बालों में वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई लोहे की है मेरी। दोस्तों, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो प्लीज़ आप एक मार्केट से ले आइए, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और ये आपको जो है बहुत लंबे टाइम तक काम भी देने वाली है। और इसमें मैं अगर हेयर पैक मिलाती हूँ लोहे की कढ़ाई में, जो कलर आता है उसके बाद एकदम डार्क ब्राउन सा, ब्लैकिश भी कह सकते हैं, वो जो है बालों पे बहुत लंबे टाइम तक टिका रहता है। तो आप जो है इस हेयर पैक को लोहे की कढ़ाई या लोहे के बर्तन में ही बनाएं। इसमें अब मैं एक एक करके पाउडर डालूंगी। ये देख रहे हैं, ये मेरे पाउडर्स हैं फ्रेंड्स। ये पाउडर्स आप जो है किसी भी ग्रोसरी शॉप पे ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। चलिए डालते हैं एक एक करके इस पाउडर को। पहले मैंने डाला है ब्रिंजल पाउडर। ब्रिंजल पाउडर बहुत कमाल की चीज़ है दोस्तों। ये जो है स्कैल्प में खाज, जलन, खुजली नहीं होने देती है, अगर आपके है तो भी आपको जो है इससे छुटकारा दिलाती है। इसमें होते हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जो कि स्कैल्प में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन को भी रोकता है अगर है, और बालों को हेल्दी ग्रोथ देने में भी मदद करता है। सेकंड चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है हिबिस्कस पाउडर, जिसे कि गुड़हल के फूल का पाउडर भी बोलते हैं। ये आपको देता है डार्क कलर के बाल, बालों के जड़ों को मजबूत बनाता है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हो, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया हो, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, फिर भी नहीं रुक रहे हैं फॉल, तो आप इस पैक को ज़रूर लगाएं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। और ये साथ ही साथ आपके बालों को बहुत वॉल्यूम भी देता है, घना बनाता है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है रीठा पाउडर। अब आप सोचेंगे इससे क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करेगा, बहुत चमकदार बनाएगा, आपके बालों को बहुत हेल्दी रखेगा, स्प्लिट एंड्स, दो मुहे जो हो गए हैं उसे भी ये ठीक करेगा। साथ ही साथ आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, सफ़ेद बाल हो गए हैं टाइम से पहले ही, या फिर हो आपके बालों बहुत सारा डैंड्रफ, उधर क्या फ्रेंड्स, मौसम ज़रा सा इधर से उधर हुआ नहीं कि बालों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मेरे तो बहुत ज़्यादा होती है हेयर फॉल, तो मैं इसे ज़रूर ट्राई करती हूँ उस टाइम पर, और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको ये कह सकती हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये मैंने डाल दिया रीठा पाउडर। चौथी चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ ये है शीकाकाई पाउडर। ये जो है नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है। हम जो शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज़ करते हैं, अगर आप ये हेयर पैक यूज़ करेंगे तो आपको जो है केमिकल से भरा हुआ कंडीशनर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे। ये आपके बालों को शाइन देगा, मुलायम बनाएगा, चमकदार बनाएगा, फ्रिज को दूर करेगा, बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और साथ ही साथ आपके बालों में एक जान सी आ जाएगी, तो इसे भी आप ज़रूर डालें। पांचवी चीज़ जो मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है आंवला पाउडर। आंवला तो आप सबको पता है, हम खाते भी हैं, अपने डाइट में भी इसको यूज़ करते हैं, और नहीं खाते हैं आप अगर, तो आपको ज़रूर इसे इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए। अब इसमें जो है आपको आर वाटर यूज़ करते हुए इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, हेयर पैक में पानी का भी एक अलग ही रोल होता है, तो अगर आप साफ़ सुथरा पानी यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे।
ये देखिए पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैं बढ़िया से इसे मिक्स कर लूँगी। इसे आपको बिल्कुल पतला नहीं बनाना है, रनिंग नहीं बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। तो इसमें जो है पानी मिलाते हुए बढ़िया से मिक्स कर लें। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप जो है हर एक पाउडर का अमाउंट बढ़ा सकते हैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। इसे जो है आपको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना है। अगर आपके पास ओवरनाइट का टाइम नहीं है तो आप कम से कम इसे 3 से 4 घंटे के लिए सोक जरूर करें, वरना इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए ये ओवरनाइट सोक करने के कितना बढ़िया काला हेयर पैक तैयार हो गया है। आप खुद सोचिए ये काला हेयर पैक अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों में एक जान सी आ जाएगी। आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप सोच सकते हैं वो दूर हो जाएंगी। इस हेयर पैक को आपको हफ्ते में एक दिन यूज़ करना है, बालों में 45 मिनट्स तक लगाए रखना है, उसके बाद बालों को धो लेना है। और फ्रेंड्स वीडियो अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।